चलिए बच्चों, अभी हम स्टार्ट करें स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। सभी आगे ध्यान देंगे बच्चों, अब हम चैप्टर नंबर 1 रिवाइज करने जा रहे हैं। चैप्टर थ्योरेटिकल चैप्टर है और इस चैप्टर में से जितने क्वेश्चन आते हैं बड़े इजी आते हैं, बट वही ना कि बच्चा आसान चैप्टर इग्नोर करता है, इसको पढ़ लेना। और इतना नहीं कि इसको बार बार पढ़ना है, एक ही बार अच्छे से पढ़ लोगे तो भी आपके नंबर पूरे हो जाएंगे, राइट। हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, उसका मीनिंग और वो सारी चीजें। स्टैटिस्टिक्स शब्द अलग अलग जगहों से आया है, जैसे ये क्या है, लैटिन वर्ड से इसको बोलते हैं स्टेटस, इटालियन वर्ड से स्टैटिस्टिका, जर्मन वर्ड से स्टैटिस्टिक्स, एंड फ्रेंच वर्ड से स्टैटिस्टिक्स, स्पेलिंग का फर्क है। ये भी एमसीक्यू आ सकता है। फिर हम स्टैट का मीनिंग जो हम डेफिनेशन देखते हैं, दो सेंस में देखते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में इसका मतलब है एक ऐसा मेथड जो डेटा को कलेक्ट करने के, एनालाइज करने के और प्रेजेंट करने के काम आता है, इसको हम सिंगुलर सेंस में बोलते हैं, साइंस ऑफ काउंटिंग और साइंस ऑफ एवरेज। देन का प्लूरल सेंस, प्लूरल में दो बातें आ जाती हैं, एक डेटा आ जाता है हमारा क्वालिटेटिव, एक आ जाता है हमारा क्वांटिटेटिव। तो दो डेफिनेशन आपकी एमसीक्यू में आ सकती है। स्टैटिस्टिक्स की एप्लीकेशन के, इसको तो जनरली आप पढ़ेंगे, बिजनेस इकोनॉमिक्स में यूज होता है, टाइम सीरीज में, इंडेक्स नंबर में, इसको इकोनोमेट्रिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट में सैंपलिंग थ्योरी, डिसीजन थ्योरी, कॉमर्स में, इंडस्ट्री में, बिजनेस में, आप पास का डाटा एनालाइज करते हो, डिमांड सप्लाई को एनालाइज करते हो, वो सारी चीजें आप करते हैं। एंड अदर मेडिकल इंजीनियरिंग फील्ड में, इन्वेस्टमेंट में, ये सारी चीजें, इसमें शायद ही एमसीक्यू बने। लिमिटेशन इंपॉर्टेंट है। पहला, ये सिर्फ जनरली एग्रीगेट में डील करता है, इंडिविजुअलिस्टिक डेटा को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। और तो हमने कहा पूरे सेंस में क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, बट स्टिल आज भी मेजर डाटा कौन सा होता है? क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव को हम क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं। और फ्यूचर प्रेडिक्शन पॉसिबल है अगर कुछ कंडीशन है, एजम्पशन है। नॉर्मली आप डाटा नहीं निकाल सकते। और जैसे एक मेथड है सैंपलिंग का, सैंपलिंग हर किसी के बस की नहीं है, सिर्फ एक्सपर्ट लोग या किसी की एक्सपर्ट एडवाइस लेकर ये मुझको फॉलो कर सकते हैं। मतलब कहने का भाव है मेथड अच्छा है, बट हर किसी के बस का। स्टैटिस्टिक्स के स्टेप क्या है? PSPPA बोलते हैं। क्या बोलते हैं? PSPPA, कलेक्शन ऑफ डेटा, स्टूडी ऑफ डेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ। पांच पार्ट में मेरे स्टैटिस्टिक्स की वर्किंग बच्चों पूरी होती है। पहले कलेक्शन, डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। डेटा जो कलेक्ट होता है दो तरीके का होता है, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव। क्वांटिटी मतलब मेजरेबल क्वांटिटी, 1-3 जरा 50 स्टूडेंट तो 50 मेजरेबल क्वांटिटी। देन देयर आर सम एट्रीब्यूट्स, कौन से जेंडर के हैं, किस एज के हैं, किस नेशनलिटी के हैं, जैसे फ्लावर का कलर हो गया, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और जो फिक्स डेटा है जो हम कहते हैं क्वांटिटी वाला 1-3, वो भी दो तरीके का होता है, डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट जो फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, मतलब है कि ना, जैसे आसमान में तारे हैं, इनफाइनाइट है, क्लास में बच्चे फाइनाइट है। कंटिन्यूस क्या होता है? गिवन इंटरवल के लिए, इस टाइम से इस टाइम की स्केल क्या है, प्रॉफिट क्या है, जिसको हम बोलते हैं ना फ्लो कंसेप्ट। और डिस्क्रीट को हम क्या बोलते हैं? स्टॉक कंसेप्ट। कौन सा बोलते हैं? स्टॉक कंसेप्ट। देन डेटा के दो टाइप होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा बोलते हैं जो फर्स्ट हैंड कलेक्ट करते हैं, ओरिजिनल डेटा जो आप कलेक्ट करते हैं, सेकेंडरी जो ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा को आपने उठा लिया, सेकेंड हैंड डेटा, इसको बोलते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी डेटा के कलेक्शन के मेथड इंपॉर्टेंट है के लिए, इंटरव्यू मेथड। आप इंटरव्यू लीजिए, पहले पर्सनल इंटरव्यू, आप जाओ उससे बात करो, जैसे कहीं पर बाढ़ भूकंप आपदा आती है वहाँ पर लोग जाते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, न्यूज़ वाले भी जाते हैं। इसका फायदा कि फ्रेश डेटा, ओरिजिनल डेटा है, बस कवरेज क्या है इसकी, टाइम कंज्यूमिंग है। एक होता है इंडायरेक्ट इंटरव्यू, जैसे रेल एक्सीडेंट में आपने किसी को वहाँ किसी को पकड़ लिया, वहाँ से हमारे संवाददाता है वहाँ पर, या किसी पब्लिक से पूछ लिया क्या हुआ है, बताओ यहाँ पर क्या हुआ है, उसको बोलते हैं इंडायरेक्ट, ये भी टाइम कंज्यूमिंग है। देन टेलीफोन, टेलीफोन का फायदा है कि एकदम क्विक है कि जाना नहीं है, खर्चा भी क्या है कम है, कवरेज भी क्या है, बट कंसिस्टेंसी क्या है, क्योंकि आपको नहीं पता सही डेटा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। और सबसे ज्यादा नॉन रिस्पॉन्स आते हैं, आधे लोग को आप बताओगे ना मैं सर यहाँ से बोल रहा हूँ सर्वे पे, वो काट देगा आपका फोन। आपके पास भी कंपनी के फोन आते हैं, आप बड़े प्यार से बोलते हैं हेलो, काफी होता ना रियलिटी में डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। इंडायरेक्ट में आप खुद नहीं जा रहे, किसी और से वहाँ कितनी घटना देखी, तो भाई क्या हुआ था। मेन क्वेश्चन, हम आपसे क्वेश्चन मेल करेंगे,
इसे प्रॉपर सीक्वेंस में वेल ड्राफ्ट करके दे लिखे क्वेश्चन में आपको आंसर देना पढ़ के वापिस देंगे और क्या करूँगा अगर नॉन रिस्पॉन्सिव ऑब्जर्वेशन ये दुनिया का सबसे अच्छा मैथड है खुद जाओ देखो क्योंकि आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि कोई किताब आपको नहीं प्राप्त कोई दुनिया के इंटरनेट आपको नहीं प्राप्त बेस्ट मैथड है बस कवरेज करने में टाइम लगेगा खर्चा भी ज़्यादा होगा और लेबोरियस लेबर बहुत ज़्यादा मेहनत बहुत ज़्यादा बट कई जगह पर बड़ा अच्छी जैसे हाइट और वेट बच्चे का वेट ठीक करो मशीन पर खड़ा कर लो हाइट के स्केल होते हैं वहाँ पर उसको खड़ा कर लो सबसे आसान मैथड है समझ रहे बात को देन क्वेश्चन ये भी टाइम कंज्यूमिंग है बट रिस्पॉन्स कम हो जाते हैं कैसे रिस्पॉन्स नॉन रिस्पॉन्स कम हो जाते हैं यहाँ पर मैं क्वेश्चन लेके आपके पास आऊँगा मैं उस मोड में खुद ही दे दूँगा टाइम लेगा बट जैसे मेल्ड क्वेश्चन में आप जवाब नहीं दे रहे थे वो उसके अंदर बताते हैं आपके पास किया बताइए कहाँ से हैं क्या करते हैं गवर्नमेंट ट्रांसफर डेटा कलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन का वो भी इसके अंदर कवर सेकेंडरी सेकेंडरी के लिए डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड है जिधर मल्टीपल इंटरनेशनल सोर्सेज WTO IMF US गवर्नमेंट के सोर्सेज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट GST प्राइवेट क्वाफी लाइक CBSE ये सारे होते हैं और अनपब्लिश छपा नहीं है बट किसी की बात है आपने जगह ले लिया जिसका ऑलरेडी फिल्म में देखते हो इसके बारे में तो वो आदमी बता पाए हैं बट अनपब्लिश बोलते हैं सेकेंडरी क्या बोलते हैं सेलेक्शन कर लिया डेटा का उसकी स्क्रूटनी कर लो क्या कर लो स्क्रूटनी का मतलब होता है डेटा को डिटेल में चेक करना क्यों एक्यूरेट है या सफिशियंट है या क्लासिफिकेशन अभी डेटा आपने इकट्ठा कर लिया सामने वाले को कैसे समझ आएगा या कल को आपको भी कैसे समझ आएगा उसको नीड प्रिसाइज कंटेंट फॉर्म में संभाल के रखिए प्रेजेंट कीजिए और कोशिश करिए ऐसा कंपेयर कंपेयर किया जा सके और अननेसेसरी डिटेल को आप एलिमिनेट कर सकते हैं अननेसेसरी डिटेल को एलिमिनेट हमारे यहाँ पे चार मेथड है क्लासिक पहला है क्रोनोलॉजिकल टाइम के हिसाब से ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से इसको बोलते हैं नोट फ्रिक्वेंसी फ्रिक्वेंसी नहीं लगती एक होता है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इनमें लगता है फ्रिक्वेंसी ग्रेड के बच्चे इस ग्रेड से इस ग्रेड के बच्चे मार्क्स के हिसाब से बच्चे वो इसमें लगाया जा सकता अभी तो डाटा आपने क्लासीफाई कर दिया उसको प्रेजेंट तो करना है सुंदर सी फॉर्म में तो प्रेजेंटेशन के जरा जर्नलिस्ट टेक्स्टुअल टैबुलर डायग्रामेटिक डायग्रामेटिक में तीन है लाइन डायग्राम जिसको स्टोरियोग्राम बोलते हैं बार डायग्राम और फाइल टेक्स्टुअल मतलब जो आपका बड़ा सा पहरा स्कूल में लिखते थे टेक्स्टुअल ये सबसे आसान है और एग्जैक्ट आपको पता है आपने क्या लिखा बट इसका नुकसान क्या ये डल मोड में होता है कोई इंटरेस्ट नहीं जगाता इसके अंदर विकास का लगता है और कंपेरिजन पॉसिबल नहीं है एंड यू नो क्लासिफिकेशन मैनी फोल्ड क्लासिफिकेशन टाइप बताने अब आपको सर डायग्राम बनेंगे फिर डायग्राम लगे वो टेक्स्ट कैसे लगेगा टेक्स्ट में टाइप फीचर सब नहीं बताया जा सकता फिर ऐसा टेबल और ऐसा कहा जाता है टेबल क्या है दिखने में डायग्राम से कम सुंदर दुनिया का सबसे बेस्ट मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन क्या है टेबल टेबल एक सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशन है कंपेरेटिव पॉसिबल है लेंथ भी सब लगाया जाता है और डायग्राम बनाने से टेबल की बड़ी ज़्यादा आवश्यकता है और इवन टेबल में रो कॉलम के अलावा फुट नोट एडिशनल इन्फॉर्मेशन सोर्सेज वो भी डाले जा सकते हैं अभी टेबल देख लीजिए टेबल आनी नहीं है ग्रामीण को बताने के लिए यहाँ पर टेबल का नंबर आ जाएगा ये बुक्स हेड है ये हेड डेफिनेशन आ जाती है ये हेड नोट है ये कैप्शन है यहाँ पर फुट नोट में आपका सोर्स आ जाएगा ये पूरी बॉडी है ये फुट नोट है और इसको क्या बोलते हैं स्टम्प एक दो बार एग्जाम में स्टम्प के ऊपर पूछ रहे हैं लिखा है नीचे सारा देखिए सब का मतलब क्या टेबल का लेफ्ट पार्ट जो रोज को डिस्क्राइब करेगा कैप्शन का मार्क है अपर पार्ट जो कॉलम सब कॉलम को डिस्क्राइब करेगा डिस्क्राइब करेगा टेबल अच्छा आप लोग डिफरेंस में टेबल ऑलरेडी बनाते हैं बता देन आप लोग डायग्राम भी बनाते हैं डायग्राम की सबसे अच्छी बात है दुनिया का सबसे अट्रैक्टिव मेथड है इसको एजुकेटिव नॉलेज के लिए दोनों लोग यूज कर सकते हैं और इसमें हिडन इन्फॉर्मेशन भी होती है जैसे पाई चार्ट देखते हो देख कर लेते हैं क्या पढ़ पाते हैं सर उसके अंदर हिडन इन्फॉर्मेशन है और ये लेस एक्यूरेट होता है टेबल देखो टेबल में एक्सेस डेट आता है डायग्राम में कुछ ना कुछ मिस्टेक हो सकती है आपके सामने है 2017, 18, 19, 20, 22, 23 का डेटा प्रॉफिट है अब इसको बनाने के तरीके क्या डायग्राम के पहला लाइन डायग्राम क्या है देखो फिर भी बात बनाना नहीं है फिर भी हम देख लेंगे स्टोरियोग्राम बोलते हैं क्या बोलते हैं पहले साल कितना प्रॉफिट है 5 इस साल कितना है 9 मैंने देखो अलग अलग डोर्स बनाई है समझ रहे एक्स एक्सिस में ईयर आ गया वाई में क्या आ गया प्रॉफिट बाद में डॉट्स को स्ट्रेट लाइन से मर्ज कर दिया एक सुंदर सा कर्व बन गया इसको बोलते हैं सिंगल लाइन डायग्राम क्या बोलते हैं यहीं पे दो प्रॉफिट के साथ साथ खर्चे भी होते हैं एक ही डायग्राम में क्या बोलते हैं डबल लाइन क्या बोलते हैं
कार्बन ट्यूब मल्टीपल लाइन, कौन सा बोलते हैं मल्टीपल बार डायग्राम, सेम डेटा है। अब डॉट नहीं बनाई, बात क्रिकेट की बात होती है ना, किस बात बात बनाई, देख रहे हैं आपको, पहले साल 5 करोड़, दूसरे साल 9 करोड़, फिर 8 करोड़, 6 करोड़, 12 करोड़, 15 करोड़, 24 करोड़, और थर्ड क्या लाइन, लाइन डायग्राम में मैंने मल्टीपल दिखा दिया आपको, लाइन डायग्राम में जीरो रीच राइट की प्रोडक्शन सेम है, उसको रख दिया मैंने, बट क्योंकि दो डेटा से मैंने एक चेंज कर दिया, एक को स्ट्रेट लाइन ने भी, एक को डॉटेड लाइन दिखाने के लिए, और ब्रैकेट में लिख दिया स्ट्रेट लाइन रीच की है, डॉटेड लाइन राइट की है, ऐसे दो तीन भी हो सकते हैं, बीट राइस पल्सिस चना राजमा कुछ डाले डेटा बन जाएगा, ले रहे बात बस, देखिए वापिस गया, एक लाइन हो गया, एक बार हो गया, अच्छा डबल वाला बार भी दिखा है, बार आगे इसमें दो, एक बीट का एक राइट का, मल्टीपल और सिंगल का काम है। देन पाई चार्ट याद है, पाई चार्ट सारे डेटा को कहां पर रिप्रेजेंट करता है, सर्कल में, तो सर्कल की डिग्री क्या होती है 360, तो आपको टोटल को डिग्री से बांटना है, बांटना है आप सामने देखिए, गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, कस्टम एक्साइज इनकम टैक्स कॉर्पोरेट टैक्स और मिक्स रेवेन्यू टोटल है 540 करोड़, मुझे कस्टम का डायग्राम बनाना है तो मैं क्या करूंगा, कस्टम का रेवेन्यू डिवाइड बाय टोटल रेवेन्यू टू 360 डिग्री, कितना आ जाएगा 53.3 डिग्री, देखो टोटल 360 आ जाएगा, इसको आप डी की शेप डी के हेल्प से बना सकते हो, बनाना तो है नहीं, बढ़िया सा सुंदर सा आपको बन जाएगा, ये फॉर्मूला बनता है आपका एंगल का, क्या फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाय टोटल वैल्यू इनटू, और परसेंटेज निकालनी हो तो वैल्यू डिवाइड बाय टोटल, और एंगल का एक और फॉर्मूला है परसेंटेज को, तो एक ही बात है, आप डायरेक्ट ऊपर वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, नीचे आप परसेंटेज निकाल के उसको मल्टीप्लाई कर, मेरे बात ये थ्योरी की आएगी, देखो डायग्राम तो आएगा थ्योरी आएगी ना, लाइन डायग्राम क्या होता है, जब डेटा चेंज होता है सिंपल, एक चीज इसके लिए मल्टीपल दो या दो से ज्यादा के लिए, बार में आपने कौन सी बनाई, आपने वर्टिकल बनाई थी क्वांटिटी वाली, हॉरिजॉन्टल भी होती है क्वालिटी वाली, और मल्टीपल में दो से या दो से ज्यादा भी हो सकती है, ये क्या होता है सब डिवाइडेड बार डायग्राम, जब हमने पाई चार्ट बनाया था ना, एक ही डायग्राम में पार्ट मान लो, ये साइज का जैसे गवर्नमेंट का रेवेन्यू 100 बना दो, 18% जीएसटी 40% इनकम टैक्स, वो सब डिवाइडेड, देन पाई चार्ट टोटल 360 के एंगल में उसका डिवाइडेड, मेरा बात याद आ जाएगा आपको सारा, देन सीरीज बताई थी आपको डायग्राम, मेरा ना लास्ट टॉपिक है डायग्रामेटिक, मेन वाला फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्रामेटिक, किसका फ्रीक्वेंसी का, अब बच्चे की सर फ्रीक्वेंसी की होती है तो सीरीज तीन तरह की होती है, इंडिविजुअल डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस, इंडिविजुअल में डेटा स्कैटर होता है, जैसे 5 बच्चों के मार्क्स हैं 18 17 20 15, ये टेबल है स्मॉल डाटा के लिए, मान लो 100 बच्चों क्या इंडिविजुअल में रखना पॉसिबल है, हम जाएंगे इसमें डिस्क्रीट, डिस्क्रीट में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज्यादा है, जैसे कि डेटा को 15 16 17 18 19 20 19 15, डिस्क्रीट में क्या करते हैं, एफ आया एफ स्टैंड फॉर फ्रीक्वेंसी, कि एक नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर कितनी बार आ रहा है, अब देखिए कितने सारे से मैंने बता दिया, 15 आ गया 4 बार, 16 आ गया 17 आ गया 18 आ गया, आगे बढ़ने से पहले नॉर्मल रुपये 0 से 5 से 5 10 5, तो सेम आ रहा है, तो 5 किसके वो किसने आ रहा है, 0 से 5 से 5 10 में 5 10, चलो यार अब ये सीरीज की इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं ऊपर बैठी, ये भी एक्सक्लूसिव, एक होती है इंक्लूसिव में वही इंक्लूड होगा, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, जैसे पहले 0 से 9 9 10 से 20 से 30 से 40 से, जो 0 है इसको बोलते हैं लोअर क्लास, क्या बोलते हैं, और अपन ऊपर वाले को नो क्या बोलेंगे, अपर क्लास, इसका प्रयोग अभी भी करेंगे, कहता है
जो अपर क्लास लिमिट होती है ना फर्स्ट की और जो लोअर क्लास की सेकंड की, इसमें डिफरेंस डिफरेंट होती है। क्या होती है देख रहे हो, ये नो है तो ये क्या है, कौन सी चीज है, इंक्लूसिव ऊपर जाना, ये पांच है तो ये भी क्या है, और यहाँ पे क्या एमसीक्यू बनता है। एक्सक्लूसिव में पहले की अपर दूसरे की लोअर क्या होती है, इंक्लूसिव में पहले का यूसीएल और दूसरे का यूसीएल क्या होता है अलग, एक्सक्लूसिव में देखो सब सेम है। बट फिर मैं आपको बता रहा हूँ, 0 से 10 में 10 इंक्लूड, वो किसमें 10 से, और उसमें यूसीएल ऑफ 1 एंड एलसीएल ऑफ 4 नेक्स्ट टू इट डिफरेंट राइट, तो गलती निकाल दो तो मुझे है। चलिए अच्छा, आप ना जब चैप्टर पढ़ते ना टेंडेंसी का या कोई और चैप्टर, कई बार ना इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि कई मैथड इंक्लूसिव तो लगते ही नहीं है। तो आपसे मान लो रैंडम थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाए एमसीक्यू में, वो मुश्किल है फिर भी इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करना, तो उसका फॉर्मूला है एलसीएल माइनस डी बाई टू या फिर यूसीएल प्लस डी, क्या होता है डिफरेंस, क्या होता है किसका, पहले के यूसीएल का दूसरे के एलसीएल। यदि इस क्वेश्चन में 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29 दिख रहा है बच्चे आपको, कन्वर्ट करना है, ये निकाल लो इसका 9 इसका 10, 10 माइनस 9 डिवाइड बाय कितना आएगा 0.5, तो यहाँ पर क्या करो 0.5 ऐड कर, तो यहाँ पर क्या करो 10, यहाँ पर ऐड यहाँ पर 10, ये एक्सक्लूसिव सीरीज आपके सामने बनकर आ गई। और इंटरेस्टिंग बात है मीडियन और पार्टीशन वैल्यू, ये भी एमसीक्यू के लिए इंपोर्टेंट है, वैसे पेपर के लिए भी इंपोर्टेंट है, मीडियन के लिए भी आप ना मीन फिर भी निकाल सकते हैं इंक्लूसिव सीरीज से, मीडियन और पार्टीशन वैल्यू खाली किससे निकलेंगी एक्सक्लूसिव से, ध्यान रखिएगा ठीक है। अगर मान लो क्वेश्चन मीडियन का आप कर रहे हैं इंक्लूसिव सीरीज, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन आप देखिए, ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, टैली मार्क्स यूज करते हैं हम फ्रीक्वेंसी में, टैली मार्क्स पता कैसे बनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 होती है ऐसे, मान लो 6, 7, 8, 9 ऐसे ऐसे बनते हैं ठीक है। टैली मार्क्स एंड यूज टू रिप्रेजेंट द फॉर्मूले, देखना अपर क्लास सी क्या होता है, बाउंड्री लिमिट तो आपने कभी या लोअर सी अपर का डिफरेंस डिवाइड बाय 2 3 था। अब ये UCL क्या है, अपर क्लास बाउंड्री, इसका फॉर्मूला है UCL प्लस D बाय, यहां से आप एक बात समझ जाएंगे, अगर D नहीं है तो सेम होगी, C किसमें नहीं होता एक्सक्लूसिव में, एक्सक्लूसिव में अपर क्लास बाउंड्री अपर क्लास लिमिट, लोअर क्लास बाउंड्री लोअर क्लास लिमिट क्या होती है सेम, LCL का फॉर्मूला LCL माइनस D बाय, और क्लास लिमिट का फॉर्मूला UCB माइनस L, और एक्सक्लूसिव में ये भी सेम होगा, एल बोलो या बी बोलो, देखो एक्सक्लूसिव में लिमिट और बाउंड्री क्या होती है बच्चे सेम, क्या होती है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला, आपकी क्लास की फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज से उस कांस्टेंट से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, मिड पॉइंट ये आता है मीन मीडियन में, मीन में आता है अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइड बाय, और एक क्लास होता है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, आप पूरी क्लास का एक्स निकाल के डिवाइड बाय क्लास की बीच से डिवाइड करें। ये देखिए इस क्वेश्चन आपने कुछ किया था पता है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आपका, फिर भी आप इसको दोबारा देखिए, इसको देखिए अच्छा, मिड पॉइंट यूसीएल प्लस एलसीएल के अलावा यूसीबी प्लस एलसीबी के लिए निकलेगा, सेम निकलेगा, क्या निकलेगा अब देखिए फ्रीक्वेंसी आपको आगे फ्रीक्वेंसी का करना है ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, क्या करना है तीन मेथड है, पहला है हिस्टोग्राम, क्या है हिस्टोग्राम का दूसरा नाम है एरिया डायग्राम, दूसरा है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और तीसरा है कोई इसको ओजी बोलता है कोई ओजाई बोलता है, इसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व। हिस्टोग्राम क्या होता है, पहले क्लास लिमिट को बाउंड्री में कन्वर्ट करो, इंपॉर्टेंट बात आ गई, लिमिट में नहीं बनता किसी बनता है वो अलग बात, एक्सक्लूसिव में सेम बात होती है, और इससे मोड निकलता है, क्या निकलता है ये क्वेश्चन पहले चैप्टर में भी आता है टेंडेंसी में भी आता है, देखिए कैसे, ये आपको इंटरवल गिवन है, क्या लिमिट और अपर और लोअर लिमिट में फर्क है दोनों रेंज के अंदर, ये एक्सक्लूसिव सीरीज है इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव है इंक्लूसिव, तो इसमें बाउंड्री निकालने की सकता है यही है, क्या बना लो देखो बार भी बनाई है, बार डायग्राम उसमें क्या फर्क है, बार इंडिविजुअल बनता है क्योंकि डिस्क्रीट पे था, किस पे था फ्रीक्वेंसी में ऐड हो रही है, तो उसको 40 से 45 कितना है 8,
145 से 50 कितना है 12, इस तरीके से सुंदर सा डायग्राम बना लो। और इसके आंसर क्या निकलेगा, फोर्स क्या निकलेगा, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक पॉलीगन। इसमें निकालने पड़ते हैं मिड पॉइंट, मिड पॉइंट अभी बताया कैसे निकलते हैं, अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय उसको जोड़ दीजिए देखिए, और लास्ट में इसको ना वाई और एक्स से जोड़ना जरूर ध्यान रखना, मिड पॉइंट को हम लेकर चल रहे। देन मेरा आपका है कॉग्निटिव फ्रीक्वेंसी और जाहिर ये बनता है लेस देन मोर देन, याद है किसी को लेस देन मोर देन क्या होती है, जहां पर एक्जेक्ट डेटा की बनती है लेस देन फाइव लेस देन कितनी आती है सी एस, क्या आती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेस देन में आपको सी एस बनानी पड़ती है। और यहाँ पर लोअर ध्यान दे, लेस देन में अपर लिमिट को उठाते हैं मोर देन में लोअर, एग्जाम्पल समझा मेरे को पहले तो ये आपको की बनाएगी डेटा, इसको मैंने लेस देन मोर देन में कन्वर्ट किया, ठीक है, लेस देन 10 लेस देन 20 लेस देन 30 लेस देन 40 लेस देन 50 और यहाँ पे मोर देन में कन्वर्ट किया। अब इसको डायग्रामेटिकली आपने इसमें बना, और ये बीच में जो बनेगा ये क्या निकलेगा, ये क्या निकलेगा, फिर भी बात है बनाना तो है ही नहीं दिख रही यार, फिर भी बात है। तो आपसे पूछा जाए मीडियन कैन बी कैलकुलेटेड और कैन बी फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ व्हिच डायग्राम, आप क्या बोलते इस तरीके से आपने बनाना है। बड़ी बार कन्वर्जन देखा ना इसकी, देखो जैसे जीरो से दस है तो लेस देन दस में कितने आ रहे हैं तीन, जीरो से लेस देन बीस में कितने आएंगे दोनों क्या हो जाएंगे एड, ये सी एफ बन रही है आप ध्यान रखो ये क्या बन रही है, और यहाँ पर सी एफ को तोड़ता गया होगा सबके दोनों बात, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन आपको आना चाहिए लेस देन मोर देन, और लेस देन मोर देन में ऊंचाई लगेगा, ऊंचाई क्या निकालेगा मीडियम, क्या निकालेगा इसको लिख भी दिया मैंने, लेस देन में क्या करना है अपनी क्लास की है प्लस अगले वाले की, ग्रेटर देन में क्या करना है अपनी क्लास की प्लस बाकी सब बाकी सब। फ्रीक्वेंसी कर्व लास्ट टॉपिक है, फ्री हैंड स्मूथली कुछ कर्व बनते हैं, अब तो ना स्केल से भी जोर जोर की पोलीगन में बोल रहे हैं फ्री हैंड बनाओ, क्या बनाओ चार तरह के बनते हैं बेल शेप यू शेप जे शेप, बेल शेप कितना आपको बेल शेप जनरली हाइट वेट यू नो मास के लिए होता है, पहले लो होता है फिर सेंटर पर बढ़ जाता है फिर गिर जाता है, यू शेप इस तरीके से जैसे आप एवरेज कोर्स मार्कर कोर्स निकालते हैं, जे शेप जे शेप आपको होता है ना ट्रैफिक अर्ली मॉर्निंग से पीक तक बढ़ता जा रहा है वो वाला, और इसका मिक्स जैसे बिजनेस साइड इस तरीके से ये ऑलरेडी बता दें इनके अगर एक्सप्लोरी सीरीज सीरियस की अगर ऑलवेज जितनी जीरो फर्स्ट चैप्टर क्या ये आपका बड़ा ही आसान सा चैप्टर, और कितने क्वेश्चन आते हैं इसमें देखिए तीन चार पाँच कुछ भी आ सकता है, तीन चार तो क्यों आएंगे ही आएंगे स्ट्रेट क्यू, ठीक है। चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है ये पोर्शन, सेकेंड है हमारा सैम्पलिंग, ये क्या होता है एक बार यहाँ पर देखिए